111 साल पहले जो जहाज डूब गया था उसका मलबा देखने के लिए 4000 मीटर नीचे समुद्र में जाना और लगभग 2 करोड़ रुपए लगा के जाना, ऐसे ऐसे जुनूनी लोग भी इस दुनिया के अंदर हैं। टाइटैनिक का जिन दोस्तों एक बार फिर से बाहर आ गया है, जिधर देखिए उधर टाइटैनिक की चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया पूरा टाइटैनिक हादसे से भरा पड़ा है, न्यूज़ चैनलों अखबारों पर सोशल मीडिया पर जहां भी देखिए आप टाइटैनिक की ही चर्चा हो रही है। दरअसल दोस्तों टाइटैनिक का मलबा दिखाने ले गई एक पनडुब्बी जिसमें 5 अरबपति सवार थे, उसका विस्फोट हो जाने के कारण 5 लोगों की मृत्यु हो गई, जिसके कारण 111 साल पुराना मामला टाइटैनिक हादसा फिर से चर्चा में आ गया। दोस्तों क्या है पूरा मामला जानते हैं आज की इस वीडियो में। अब तक तो आप लोगों ने भी इस हादसे के बारे में जरूर सुना होगा, अगर नहीं सुना तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में क्या है पूरा मामला। टाइटैनिक के बारे में दोस्तों शायद ही कोई नहीं जानता हो। टाइटैनिक एक अपने ज़माने का सबसे बड़ा यात्री जहाज और सबसे लग्जूरियस जहाज था। टाइटैनिक बनाने वालों ने दोस्तों तो बहुत बड़े बड़े दावे किए थे कि टाइटैनिक को तो खुदा भी डुबो नहीं सकता। टाइटैनिक का दोस्तों पूरा नाम था RMS टाइटैनिक, दुनिया का सबसे बड़ा यात्री जहाज अपने ज़माने का, जो कि इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क जा रहा था। अपने पहले सफ़र पर ही 4 दिन के यात्रा के बाद 14 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक जहाज़ एक बर्फ़ के पहाड़ से टकरा कर डूब गया, जिसमें 1517 लोगों की जान चली गई थी, जो कि उस समय के इतिहास के सबसे बड़े समुद्री आपदाओं में से एक था। अब आप सोच रहे होंगे कि पहाड़ बर्फ़ के पहाड़ से टकराने से इतनी बड़ी जहाज़ कैसे डूब सकती है। दोस्तों अगर आप अपने फ्रिज में रखी हुई बर्फ़ की बात करेंगे तो उससे नहीं डूब सकती, पर हाँ पहाड़ बर्फ़ के पहाड़ से ज़रूर डूब सकती है, क्योंकि बात पहाड़ बर्फ़ की पहाड़ की हो रही है, जो कि उसकी लंबाई और चौड़ाई ही बहुत ज़्यादा होती है। टाइटैनिक जब डूबा था दोस्तों, जब पहाड़ बर्फ़ के पहाड़ से टकराया था, तब टाइटैनिक लगभग 2 हिस्सों में टूटकर बिखर गया था। टाइटैनिक का मलबा दोस्तों 70 सालों तक लगभग 4000 मीटर नीचे समुद्र में पड़ा रहा। इसकी खोज किसी ने नहीं की थी, पर 1985 में लगभग 70 सालों बाद टाइटैनिक के मलबे की खोज की गई थी। उसी मलबे को देखने के लिए 5 लोग एक पनडुब्बी में सवार होकर जा रहे थे उस मलबे को देखने के लिए। इस पनडुब्बी का नाम भी दोस्तों टाइटन था, टाइटैनिक के नाम से मिलता हुआ। पनडुब्बी में दोस्तों सिर्फ 5 लोग सवार हो सकते थे और एक सवारी का किराया लगभग 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा था। अब आप सोच सकते हैं जब एक सवारी का किराया लगभग 2 करोड़ से रुपये से ज़्यादा था, तो आप सोच सकते हैं कोई आम इंसान नहीं गया होगा उसमें। सब 5ों के 5ों अरबपति और खरबपति थे, क्योंकि 2 करोड़ रुपये लगाकर 4000 मीटर नीचे कोई 111 साल पहले जो जहाज डूबा था उसका मलबा देखने क्यों जाएगा, कोई आम इंसान तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। ये सब दोस्तों अरबपति और खरबपति थे। पनडुब्बी द्वारा दोस्तों टाइटैनिक के मलबे को देखने जाने और देखकर आने में लगभग 8 घंटे का समय लगता। इन 8 घंटों में दोस्तों 2 घंटा जाने में लगता और 4 घंटा वहाँ पर पनडुब्बी के द्वारा उसी पनडुब्बी में बैठ कर टाइटैनिक का मलबा देखा जाता, फ़ोटो ली जाती। वहाँ पर एक मिरर लगा हुआ था, एक विंडो की तरह लगा था, जिसमें से उन 5ों लोग टाइटैनिक के मलबे को देख सकते थे, उसकी फ़ोटो ले सकते थे। 4 घंटा वहाँ बिताते और 2 घंटा वापस आने में, यानी कि टोटल 8 घंटे का ये सफ़र था। टाइटन पनडुब्बी दोस्तों 18 जून को अपने सफ़र पर निकलती है और सफ़र पर निकलने के बाद ही 1 घंटे 45 मिनट के बाद, लगभग 1.25 घंटे के बाद टाइटन का संपर्क टूट जाता है। संपर्क टूटने के फौरन बाद दोस्तों सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया जाता है। सर्च ऑपरेशन लगभग 4 दिन चलता है और इसका कोई पता नहीं चलता है। लगभग 18 जून के बाद 2 दिन तक कोई पता नहीं चला। 22 जून को दोस्तों ये बताया जाता है कि टाइटन का जो मलबा है वो टाइटैनिक जहाज जिसको देखने ये लोग गए थे उस मलबे के पास टाइटन का भी मलबा मिला है। उसके बाद दोस्तों ये बताया जाता है कि टाइटन में एक विस्फोट हुआ था, जिसके कारण ये पनडुब्बी जो है विस्फोट में फट गई और उसमें बैठे 5ों लोगों की मृत्यु हो गई, यानी कि 5ों लोग मर गए और टाइटन भी फट गया। दोस्तों जो मौत होती है ना, वो इंसान को वहीं जगह ले जाती है जहां उसकी मौत जो है निश्चित होती है। 111 साल पुराना टाइटैनिक का हादसा जो था वो एक बार फिर से ताज़ा हो गया है। टाइटैनिक का मामला तो पुराना हो गया था, पर ये टाइटन जो दोबारा हो गया, एक तो नाम भी मिलता जुलता है इसलिए कुछ ज़्यादा ही ये वायरल हो गया ये खबर। 111 साल हो गए दोस्तों, लगभग 1912 में टाइटैनिक डूबा था, तब से लेकर आज तक इसकी खबर जो है काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने पढ़ा सुना, पर टाइटन हादसा होने के बाद एक बार फिर से चर्चा में टाइटैनिक आ गया है।
तो दोस्तों ये पांचों अरबपति जो है उसी टाइटैनिक का मलबा देखने के चक्कर में अपनी जान गंवा बैठे। इसीलिए कहते हैं कि अपने पैसे को नाजायज जगह पर ना खर्चा करने के बजाय सही जगह इस्तेमाल करना चाहिए। 111 साल पहले जो जहाज डूब गया था उसका मलबा देखने के लिए 4000 मीटर नीचे समुद्र में जाना और लगभग 2 करोड़ रुपये लगा के जाना, ऐसे ऐसे जुनूनी लोग भी इस दुनिया के अंदर हैं। अब सवाल दोस्तों यहाँ पर ये हो रहा है कि टाइटन हादसा होने के बाद क्या दोबारा कोई जाएगा टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए? तो ये इस सवाल का जो है जवाब दोस्तों हाँ में है, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से जुनूनी लोग हैं, बहुत से ऐसे हादसे होते हैं जिसके बाद भी लोग उस जगह पर जाते हैं। जैसे कि अभी हाल में ही हमारे इंडिया के अंदर उड़ीसा के बालासोर में कैसा ट्रेन हादसा हुआ हम सब ने देखा। तो क्या लोग ट्रेन में सफ़र करना छोड़ देंगे? ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता। हवाई जहाज़ का दोस्तों कई बार हादसा सामने आता है तो क्या लोग हवाई जहाज़ में सफ़र करना छोड़ देते हैं? ये भी इम्पॉसिबल है। इसी तरीके से दोस्तों टाइटैनिक का मामला अभी जो हुआ है, टाइटन जो पनडुब्बी थी वो जो फटने से 5 लोगों की मृत्यु हुई है जो टाइटैनिक मलबा देखने गए थे, कुछ दिनों तक ये चलेगा, उसके बाद फिर ऐसा होगा कि कुछ लोग जाएंगे टाइटैनिक का मलबा देखने। और ऐसा नहीं है कि ये पनडुब्बी पहली बार जा रही थी, टाइटैनिक का मलबा पहले भी लोग देखकर आ चुके हैं और इसी पनडुब्बी के द्वारा गए थे और देख के आए, पर दोबारा इस बार गए तो हादसा हो गया, पनडुब्बी भी गई और 5 लोगों भी गए जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर लोग थे, बड़े बड़े लोग थे, अरबपति और खरबपति लोग थे। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं तक, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। आपका क्या राय है इस पर, क्या आपका कमेंट है, आप ज़रूर जाकर कमेंट बॉक्स में अपना सवाल करें। मिलते हैं दोस्तों किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।